लिमिट्स। तो लिमिट्स को पढ़ने से पहले आपको चार चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? पहली है व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है, ठीक है? सेकंड, टाइप्स ऑफ लिमिट्स। थर्ड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये बहुत ही जरूरी है, इसी के बेस पर सारा लिमिट्स सॉल्व होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है? फोर्थ, एल हॉस्पिटल रूल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका लिमिट्स क्या है, ठीक है? तो लिमिट्स का मतलब होता है लिमिट होना, ठीक है? जैसे कि सपोज आपके पास एक बाउंड्री है, तो इसमें लिमिट क्या होगी? इस बाउंड्री के अंदर ही किसी चीज़ को अंदर रहना, इसकी लिमिट सिर्फ बाउंड्री तक है, ठीक है? सिंपल मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ लिमिट का मतलब, तो ये लिमिट होगा। लिमिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक, सिंपल है। और लिमिट्स आपकी टाइप्स ऑफ लिमिट्स, सेकंड था हमारा टाइप्स ऑफ लिमिट्स। टू टाइप्स मींस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है? टाइप का मेरा ये मतलब है कि राइट हैंड लिमिट होती है और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का मतलब कि लिमिट एक्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको पॉजिटिव से करते हैं, ए प्लस ज़ीरो, या हम ऐसे लिख लो फंक्शन ए प्लस ज़ीरो, ऐसे करके लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, ठीक है? पॉजिटिव साइन होता है इसमें। और लेफ़्ट को हम करेंगे माइनस से, ए माइनस ज़ीरो फंक्शन ए माइनस ज़ीरो, उसको ए माइनस, ठीक है? कुछ इस तरह से, सिंपल। थर्ड था आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, ये है समझने वाली चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट। और एक एल हॉस्पिटल, ठीक है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है? बोथ टेंड्स टू ज़ीरो मीन्स आपके पास सपोज फंक्शन ऑफ एक्स 5x है, ठीक है? ये न्यूमिरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये क्या होंगे? 0/0, ठीक है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये बता रहा हूँ, एल हॉस्पिटल रूल इसके बाद बताता हूँ, ठीक है? तो ये आपका क्या, ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, 0/0, ठीक है? पहली बात, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है? तो ये 0/0 का मतलब क्या है? मान लो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, ठीक है? फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी है, एक्स वाई 2x है सपोज, तो इसमें लिमिट को पुट किया तो क्या बन जाएगा? 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है? 0/0, ठीक है? ये कौन सी फॉर्म बन गई? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, तब आपने क्या करना है? एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल। तो ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है? ये बहुत सिंपल है, आपके पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है? टू फंक्शंस, फंक्शन एक्स एंड 5 फंक्शन, ठीक है? हम इनको इस तरह से लिखेंगे 5x। एल हॉस्पिटल का रूल मींस ये फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना, एफ डैश एक्स अपॉन 5x, बस सिंपल, इसको डिफरेंशिएट करना, उसको हम कहेंगे एल हॉस्पिटल रूल। ऐसे भी लिख लो, डबल डबल डिफरेंशिएट एक्स अपॉन 5 डबल डिफरेंशिएट x, ठीक है? डिफरेंशिएट करना, ठीक है? क्या है एल हॉस्पिटल का मतलब? डिफरेंशिएट। तो जब हमारी 0/0 कंडीशन होगी, तब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सपोज हमारी कंडीशन 1/2 बनती है, ठीक है? मान लो 0/0 नहीं है, मींस इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तब आपने क्या करना है? सिंपल, आपने लिमिट इसमें पुट करनी है, सिंपल, लिमिट को पुट करिए और आंसर निकालिए।
अगर आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है 0 बाई 0, तब आपना एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो पता चल जाएगा आपको। तो ये था, तो देखिए शॉर्टकट फार्मूलेज भी हैं वाई किसके बेस पर, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये बुक में आप पढ़ लेना अच्छे से, जैसे कि एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये कैसे 1 आया देखो अभी क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ आपके शॉर्टकट फार्मूले, याद रखोगे तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, सिंपल है। ठीक है, तो देखो ये गेट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ, दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2/3 x अपॉन एक्स इज। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको लिमिट्स पुट करनी है। मान लो आपने 0 में लिमिट पुट करी, ठीक है, यहाँ पे लिखा साइन 2/3 इंटू एक्स की जगह 0, ये लिमिट पुट करी अपॉन 0, तो ये क्या बन रहा है आपका 0/0। देखो ठीक है, ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैंने कहा था जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तो आप अप्लाई क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट करना, मींस इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2/3 ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को, तो क्या बन गया 2/3 इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स की डिफरेंशिएट क्या होगी 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, लिमिट्स को पुट करना है, एक्स 0 क्या होता है आपका 1 होता है, 2/3 इंटू 1 अपॉन 1 2/3, तो आपका आंसर क्या आया 2/3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था, क्या किया आपने, फॉर्म पहले पता किया कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, मींस 0/0 कंडीशन आ रही थी, तब आपने अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल किया, मींस इनको डिफरेंशिएट किया और लिमिट्स पुट करके आंसर निकाला। ठीक है, सिंपल था, ओके।